जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन अमरीश पटेल अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। वहीं जनपद रामपुर में उन्हें सपा जिलाध्यक्ष ने पार्टी की सदस्य दिलाई। अमरीश पटेल ने कहा कि भाजपा ने हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया, जिसकी वजह से समर्थकों की राय के बाद वे सपा में शामिल हुए हैं और अब वे सपा को मजबूत करेंगे। वहीं अमरीश कुमार पटेल अपने समर्थकों के साथ रामपुर आ गए। उन्होंने शहर विधायक डॉक्टर तंजीम फातिमा से मुलाकात की, जिसके बाद वे सपा कार्यालय पहुंच गए। वहां सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने उन्हें व उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्य दिलाई। अमरीश कुमार पटेल ने बताया कि वे छात्र जीवन से राजनीति में हैं। जनता ने उन्हें 4 बार जिला पंचायत सदस्य बनाया है। उन्होंने बताया कि 1993 से लेकर 2017 तक वे बसपा में पूरी ईमानदारी से कार्य किया। इसके चलते बसपा ने 2012 में उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया था। कहा कि उन्हें वे उनके समर्थकों को भाजपा में सम्मान नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने भाजपा से त्यागपत्र दे दिया है। वहीं उन्होंने बताया कि 11 नवंबर को उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें सहमति बनने के बाद वे सपा में शामिल हुए हैं। जी अमरीश जी, आप आज आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, क्या कितने लोगों के साथ की और कौन कौन आपके साथ रहा और किस तरीके से आप शुरुआत की, किस लिए की है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, वहाँ घुट रहा था, ना तो मेरे कोई कार्यकर्ता का काम हो पाता था, न मेरी वहाँ कोई सुनने वाला। मैंने भारतीय जनता पार्टी में एहसास किया कि ये हमारे जैसे पिछड़ी जाति के काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है और आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। माननीय मंत्री मोहम्मद आजम साहब में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वह एक ऐसे नेता है जिन्होंने रामपुर में नई पहचान बनाई है, रामपुर को पहचानवाया है। रामपुर की पहचान आज मोहम्मद आजम साहब से है, किसी और से नहीं। जितना उन्होंने विकास कार्य किया है दूसरे लोग सोच नहीं सकते, करने की तो बात बहुत है। मैंने उनमें आस्था व्यक्त की है और उनसे मुलाकात करने के बाद ये तय हुआ कि मैं अब समाजवादी पार्टी के लिए कार्यकर्ता बन के काम करूँगा। जो माननीय नेताजी मोहम्मद आजम साहब का आदेश होगा उसका पूरी तरीके से पालन करूँगा और मेरे जो आज पूरे क्षेत्र के लगभग 70 से 80 प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिम्मेदार साथी 500 की तादाद में आज हम लोग, जबकि एक सादा कार्यक्रम करने को कहा गया था, इसलिए प्रोग्राम था कि थोड़े ही लोग लाने हैं, मैं उस व्याप पे कुछ लोग लेकर आज पार्टी कार्यालय पहुंचा और जहां जिला अध्यक्ष जी और शहर विधायिका ने मुझे आज पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो अब क्या आपके कार्य रहेंगे पार्टी के लिए, क्या क्या गतिविधियां? पार्टी के जो दिशा निर्देश होंगे, मैं खासकर बिलासपुर का रहने वाला हूँ विधानसभा का, वहाँ पार्टी का जो आदेश मुझे काम करने का दिया जाएगा और या जिले में जहाँ भी मुझे काम पर लगाया जाएगा वहाँ मैं पार्टी के लिए काम करूँगा, पार्टी से जोड़ने के लिए लोगों के लिए काम करूँगा। भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है और पार्टी के लिए क्या काम?